Welcome dear students, from this lecture we are going to start our beautiful journey of the 11th and 12th. तो यस बच्चों, इस लेक्चर से हम लोग 11th का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा फिजिकल वर्ल्ड. सो यस, आई एम प्रोफेसर प्रसाद साकरेकर, वेलकम यू ऑल टू आवर SEG ग्रुप. तो बच्चों, ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं बिकॉज इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे. एक आधा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में आएगा, लेकिन NCERT CBSE के हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. अगर अपनी 11th की बुक्स निकाल के देखें तो आपको पहला टॉपिक यही मिलेगा. तो आप बोलेंगे सर फिर ये टॉपिक क्यों पढ़ने का. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, टू मेक सम इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, जस्ट फॉर द लव ऑफ द फिजिक्स. ठीक है, तो भाई फिजिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, फिजिक्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो भी इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसके वजह से ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया गया है. JEE और NEET के हिसाब से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. ठीक है, हाँ, लेकिन फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल टॉपिक. सो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि सर फिजिक्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. जैसे ही फिजिक्स के बारे में आप लोगों को किसी ने पूछा, आपके मन में सीधा दो चार चीज़ें आ जाती कि सर फिजिक्स मतलब रेजिस्टेंस हो गया, फिजिक्स मतलब स्पेरिकल मिरर, लेंसेस, जो कि पार्ट 10th में आप लोगों को 10th में काफ़ी हार्ड टॉपिक अगर कौन सा है आप लोगों को पूछा तो आप सीधा बोलते हैं सर वो लेंस वाला टॉपिक, कुछ भी समझ में नहीं आता. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मतलब आप फिजिक्स समझते हो, लेकिन नहीं बच्चों, फिजिक्स इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग्स. अगर आपने फिजिक्स को गौर से देखा तो आपको समझ में आया कि इट इज़ द वन ऑफ द व्हाट वी से द ट्रिमेंडसली बिग ब्रांच ऑफ द साइंस. ठीक है, अब फिजिक्स मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी बेसिक और सिंपल डेफिनेशन देखिए. लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स इज नोन एज द फिजिक्स. यानी कि देखिए, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो कुछ भी चीजें होगी, जो कुछ भी होगा, उसको आप एक पर्टिकुलर लॉ से पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर लॉ से या प्रिंसिपल से डिफाइन करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिक्स, उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिक्स. देखिए, फिजिक्स मतलब कोई अलग चीज, कोई अलग दुनिया से ऐसा कुछ नहीं है. फिजिक्स मतलब नेचर दोस्तों, फिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचर. यानी कि नेचर में जो कुछ भी होगा, अब इमेजिन कीजिए, ये अगर चौक मैंने लिया, जैसे ये चौक को मैंने नीचे छोड़ दिया, ये चौक कैसे जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, एंड दैट न्यूटन्स लॉ इज द फिजिक्स. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हो, उसे लॉ के हिसाब से डिफाइन करना मतलब होता है फिजिक्स. ठीक है, एक और चीज होता है, देखिए नेक्स्ट देखिए, व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव. फिजिक्स हमें दो क्वेश्चंस का आंसर देता है, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई. अब देखिए, इमेजिन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, फिर से एक बार चौक का एग्जांपल लेंगे, एप्पल का एग्जांपल लेंगे, हर बार चौक क्यों. जैसे अब एप्पल पेड़ पे था और पेड़ पे से वो टूट के नीचे गिर गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल नीचे क्यों गिरा, यानी कि एक तो क्वांटिटी मिल गई, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर वो कैसे गिरा, क्यों गिरा और कैसे गिरा. क्यों गिरा मतलब हम उसके बारे में बोलते हैं कि यस देर इज सम फोर्स इज प्रेजेंट भाई, यानी कि अर्थ ने उस एप्पल के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी फोर्स अप्लाई किया और उसके वजह से वो एप्पल नीचे आ गया. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो एप्पल नीचे कैसे आया. इसके लिए फिर आप काइनेमेटिक के लिए इक्वेशन अप्लाई कर लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस जीटी, वही. यानी कि हाउ एंड व्हाई, ये दोनों के भी आंसर आपको इस पर्टिकुलर थिंग में मिलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फिजिक्स. ठीक है, संस्कृत में अगर आपने देखा तो फिजिक्स को आप लोग क्या बोलते रहे, भौतिकी. क्या बोलते उसे, भौतिकी. भौतिकी मतलब क्या, सराउंडिंग, जो भी कुछ सराउंडिंग में होगा इट्स अ फिजिक्स. देखिए भाई, अगर किसी ने पूछा कि द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या, आप दौड़ रहे हो, इट्स अ फिजिक्स, इट्स अ मोशन. आप ऊपर से नीचे आपने छलांग लगा दी, जंप मार दी, इट्स अ फिजिक्स. ठीक है, पानी बह रहा है, इट्स अ फिजिक्स. अपना कोई भी पैन लिया, पैन गर्म हो गया, इट्स अ फिजिक्स. जैसे स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल गया, बल्ब जल गया, इट्स अ फिजिक्स. एवरीथिंग इज द फिजिक्स, एक्चुअली वी आर सराउंडेड बाय द फिजिक्स. क्या नहीं है भाई, सभी तरफ तो फिजिक्स है. अभी ये कैमरा में आप, कैमरा के हिसाब से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, इट्स अ फिजिक्स. The mobile phones that you are using, it is made from the semiconductor, it is the physics.
simple condition. This mic that we are using, it is also the physics. Everything is the physics. Everything is the physics. पानी का बहना physics हो जाता है. ओके, थर्मोडायनेमिक्स, जो अपनी बाइक्स वगैरह चलते हैं ना, इट इज वर्किंग ऑन द थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द फिजिक्स. हम ब्रेक अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इट इज द फिजिक्स. हम स्लिप हो गए, इट इज द फिजिक्स. जहां देखो वहां फिजिक्स ही फिजिक्स होगी. लेकिन आप बोलेंगे सर फिजिक्स तो इतनी ईजी, फिर इतनी 11 12th में वो नीट और जे ये क्या क्या निकाला. इट्स नॉट लाइक दैट. यहां पे हमें पढ़ना है कि इसके बेसिक लॉज क्या होगी. अभी तक आप लोगों ने सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप लोगों ने देखा था कि एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे एनर्जी में होगा. यस यू आर राइट, एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे एनर्जी में होना ही चाहिए. लेकिन हर बार ये प्रोसेस होगी क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये क्यों नहीं होगी? होगी तो क्यों होगी? ये सारी चीजें हम 11 12th में मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखेंगे. इसीलिए बच्चों एक बात आप याद रखिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स का पूरा ही आना चाहिए. मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें भी आप लोगों ने एक बार समझ ली ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सर फिजिक्स मतलब नहीं, नॉर्मली नीट वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो बायो तो अच्छे तरह से कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स मतलब उनको लगता है कि सर वहाँ पे तो मैथ्स से, हमें तो मैथ्स कुछ आता नहीं. लेकिन बिलीव मी, अगर आपने फिजिक्स को एक अलग एंगल से देखा तो यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. यहाँ पे है ही कुछ नहीं, जो है सामने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से उसकी पढ़ाई करना, इट इज द फिजिक्स. एक और चीज, हम फिजिक्स के हिसाब से फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अब इमेजिन कीजिए, सपोज एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे. अगर मैंने ये लिया, यहां से अगर ये चौक गिर गया तो उसकी वेलोसिटी इतनी इतनी होगी. कुछ भी कंसिडर कर लो. मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने आपको बोला कि भाई अगर मैंने 1000 meter की बिल्डिंग ली और उसके ऊपर से अगर ये चौक को फेंक दिया, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप क्या बोलेंगे? सर एक काम करता हूँ मैं, अभी पहले मैं 1000 meter की जो ऊंची होगी वो बिल्डिंग बनाऊंगा, उसके बाद में उसके ऊपर जाऊंगा, उसके बाद में एक चौक लूंगा, फेंकूंगा, फिर उसको मेजर करूंगा. भाई 11 12 तो दूर, पूरी जिंदगी निकल जाएगी. हम क्या करेंगे? सर अगर यहाँ से 10 मीटर से चौक को फेंकने के बाद अगर वेलोसिटी इतनी होगी तो 1000 मीटर में पर उतने हाइट से अगर हमने चौक को फेंका तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशंस. पूरे वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर. एंड दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी बेहतरीन स्टेटमेंट है ये. इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स. अगर आपको फ्यूचर समझना है तो आपको फिजिक्स के बारे में समझना ही पड़ेगा. देखिए बच्चों, कोई भी साइंटिस्ट आप ले लो, कोई भी साइंटिस्ट ले लो, हर साइंटिस्ट एक बेस्ट फिलोसोफर भी था, बेस्ट फिलोसोफर भी था. अब आइजैक न्यूटन के बारे में कंसिडर कीजिए, सर आइंस्टाइन के बारे में कंसिडर कीजिए, स्टीफन हॉकिंस के बारे में कंसिडर कीजिए, सारे सारे साइंटिस्ट एक फिलोसोफर थे. एंड फिजिक्स इज इट्सेल्फ अ फिलोसोफी. यस, फिजिक्स इज इट्सेल्फ अ फिलोसफी. यानी कि आप फिजिक्स को एक बार अगर आपने समझ लिया तो यू आर इजीली एबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कैलकुलेशंस. सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द फिजिक्स. यानी कि फिजिक्स मतलब सिंपली होता है लॉ. फिजिक्स मतलब क्या होता है? लॉ. नेचर में कुछ भी अगर हुआ तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे टोटल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर आपको टोटल फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है तो हम उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं. पहले जो प्रिंसिपल होता है वो होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म. पहला क्या होता है? यूनिफिकेशन. और दूसरा वाला क्या होता है? रिडक्शनिज्म. अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है. अब देखिए ये यूनिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, अब हम ये यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे. इट इज टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनॉन बाय यूजिंग फ्यू लॉज. आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग एग्जैक्टली है क्या. देखिए फिजिक्स में करते क्या है हम लोग, यानी कि सारी चीजें, ये भी चीज, वो भी चीज और वो भी चीज, सारी चीजों को कुछ ही मतलब कुछ लिमिटेड लॉज में एक्सप्लेन करना. ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझ लेते उसका. अब ये एक एप्पल कंसिडर करो. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेंगे. एक एप्पल आ गया,
अगर वो ये एप्पल हम कंसिडर करेंगे, ये हो गए अर्थ, अगर ये एप्पल सीधा नीचे आने लगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? जो कि आप लोगों ने पढ़ा है उसे आप लोग बोलेंगे एफजी। एफजी मतलब कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई इमेजिन कीजिए, आप किसी चेयर पे ऊपर गए, ठीक है, और अगर आपने वहां से छलांग लगाई, जंप लगा दी, आप तो सीधा नीचे ही आएंगे ना। किसकी वजह से नीचे आएगी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके चलिए, ये तो चीज हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे? देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। भाई दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? जल्दी बोलिए, दोनों के बीच में अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, फिर से एक बार, दोनों के बीच में एफजी, यानी कि कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस होल गैलेक्सीज रिवॉल्व अराउंड दिस ब्लैक होल, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एप्पल फॉलिंग ऑन द अर्थ, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि देखिए, कितने सारे फिनोमिनॉन हमने एक ही लॉ से डिफाइन किए, उसे ही हम लोग बोलेंगे यूनिफिकेशन। समझ में आए? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफिकेशन। यानी कि देखिए, अब हर चीज के लिए नया नया लॉ बनने लगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में है? यानी कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अलग लॉ। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, लॉ अलग। एप्पल नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? अलग। तो ये चीजें ऐसी नहीं होती। ये सारे के सारे फिनोमिनन अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा तो ये वाला एग्जाम्पल पूरे यूनिवर्स में किसने भी किसको भी अट्रैक्ट किया तो वो सारा श्रेय किसको जाता है? सर न्यूटन को। यानी कि इट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इट्स, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे यूनिफिकेशन। एक और एग्जांपल आप लोग कंसीडर कीजिए। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मैक्सवेल। मैक्सवेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर। यानी कि वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और फिजिक्स में भी उनका बहुत बहुत ही ज्यादा योगदान है। देखिए, अभी मैक्सवेल सर ने क्या बोला था, उन्होंने चार लॉ से, यानी कि थोड़े से लॉ यूज करके मैक्सिमम फिजिक्स के फिनोमिनॉन एक्सप्लेन करना चाहे। एक बेसिक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे, मैक्सवेल। मैक्सवेल के कुछ इक्वेशंस थे, यानी कि उन्होंने चार इक्वेशंस दिए थे। मैक्सवेल से चार इक्वेशंस थे। कितने इक्वेशंस थे? चार। अब वो वाले इक्वेशंस ने उन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद में उन्होंने एक पूरा मैग्नेटिज्म भी उसी एक लॉ से एक्सप्लेन किया। देखिए, एक लॉ से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि कोई भी चार इक्वेशन ले लो, आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने एक ही लॉ दिया, ठीक है। ये पूरे सारे चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि सर ये यूनिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। एक लॉ से उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन कर लिया, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यू नो दैट। मैग्नेटिज्म भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक और चीज थी, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या थी ये? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये भी चीज उन्होंने उसी लॉ से एक्सप्लेन की। देखिए, ये सारे के सारे फिनोमिनॉन उन्होंने कुछ इक्वेशंस बना के एक्सप्लेन कर दिए और इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक लॉ के हिसाब से सारी चीजें एक्सप्लेन करना। जैसे कि देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मतलब अब वो नहीं है, स्टीफन हॉकिंस, सर स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने क्या किया था कि भाई आप उनकी थ्योरी अगर आपने पढ़ी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो उस किताब में उन्होंने क्या बोला है कि भाई फिजिक्स की कौन से भी फिनोमिनन मुझे दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सारे के सारे फिनोमिनन दे दो, मैं उस सारे फिनोमिनन को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, एक ही लॉ से एक्सप्लेन करूंगा। और उन्होंने उनकी पूरी लाइफ इसी के ऊपर बिता दी। हाँ, यस, वो काफी उसके नजदीक गए थे लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां वो जाना चाहते थे। यानी कि उनका कहना ये था कि भाई सारा फिजिक्स में एक ही लॉ से एक्सप्लेन करूंगा और उसे ही हम लोग बोलेंगे यूनिफिकेशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन। अब एक इमेजिन कीजिए, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था। अब आप इमेजिन कीजिए, सपोज कोई भी कंसीडर कीजिए, सपोज ये चौक है, अगर मैंने इसे नीचे फेंका, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन होगा कि अगर ये चौक को मैंने नीचे फेंका तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये क्या पूछ रहे हो, ये चौक टूट जाएगा। नाइस। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये टूट गया, अगर मैंने उसे फिर से ऊपर लाया तो वो तो जुड़ना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ऐसा होगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। आप मीनिंग समझ लो, अगर मैं दो हैंड को रब कर दिया, ठीक है, रब करने की वजह से कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक, जैसे ही मैंने दोनों को रब करना शुरू कर दिया, हमें मिलेगी हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? हीट एनर्जी। क्यों मिल गई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी के वजह से हीट एनर्जी मिलती होगी, तो हीट एनर्जी के वजह से भी काइनेटिक मिलनी चाहिए। अगर मैंने इमेजिन कीजिए कुछ यहाँ पे गर्म कर दिया, गैस के ऊपर मेरे दोनों हाथ ऐसे रख दिए, यानी कि मैं उसको कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ? हीट एनर्जी। तो फिर हाथ तो अपने आप चलने चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे सर ऐसा देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई जितनी एनर्जी दोगे वही एनर्जी वापस मिलेगी। अगर काइनेटिक के वजह से हीट मिलती होगी, तो हीट के वजह से भी काइनेटिक मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। समझ में आप लोगों को? इमेजिन कीजिए वो जो कार होती है ना स्प्रिंग वाली, वो बचपन में हम लोग यूज करते थे टॉय वाली, जैसे हमने उसको पीछे खींचा, ठीक है, जैसे हमने उसे पीछे खींचा, वो जैसे आगे जाने लगी उसकी हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होने लगता है। हीट एनर्जी मतलब क्या? फ्रिक्शन। मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। अगर हमने अभी कार को कोई गर्म मतलब गैस पे रख दिया, और जैसे ही उससे गैस पे रख दिया, वो कार अपने आप भागने लगी। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि आप काइनेटिक का कन्वर्जन हीट में तो कर सकते हो, लेकिन उसी सिचुएशन में हीट का कन्वर्जन काइनेटिक में नहीं हो पा रहा है। और यही हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर से क्वेश्चन मार्क, सर अभी ये नया चीज क्या है थर्मोडायनामिक्स? आप तो पहले ही लेक्चर में डरा दे रहे। यदि ये तो थर्मोडायनामिक्स आगे आगे पढ़ेंगे भाई, अभी तो 11 स्टार्ट हो गई, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वेलकम टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ 11 एंड 12। ये थर्मोडायनामिक्स नामक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो बाइक्स वगैरह जो भी जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी मोशन में आता है, ये सारी इसके वजह से आता है। और ये जो प्रोसेस मैंने अभी बोले आप लोगों को, ये सारे के सारे प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसे ही हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए ये टॉपिक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगा पूरा, बिकॉज ये टॉपिक का नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड। पूरे फिजिक्स का क्या मतलब, एक क्विक ट्रेलर हमें देखना है इस टॉपिक में। चलिए यूनिफिकेशन तो समझ में, एक लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, यानी कि यूनिफ। तो चलिए अभी ये जो सेकेंड प्रिंसिपल है उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शनिज्म। अभी रिडक्शनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है देखिए, अगर आप लोगों ने सोचा कि अगर आपको कोई भी बड़ी वाली चीज़ यानी कि लार्ज सिस्टम के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना होगा, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, लार्ज सिस्टम यानी कि बहुत बड़ी सिस्टम अगर आप लोगों को हमने दे दी और बोला कि भाई इसके बारे में पूरी पढ़ाई कर लो, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि सर उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, टेंथ में आप लोगों ने डीसी मोटर एसी मोटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी कि मोटर्स के बारे में या जनरेटर्स के बारे में ले लो। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, टू स्टडी लार्ज सिस्टम्स, इट इज़ द प्रिंसिपल विच इज यूज टू स्टडी द लार्ज सिस्टम। देखिए अगर आपने मोटर कंसिडर की, तो आपने सीधा मोटर स्टार्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं। पहले आपने स्टार्ट किया कि उसमें स्टेटर क्या होता है, उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा कि रोटर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा कि उसमें कम्यूटेटर क्या होता है, उसमें कम्यूटेटर क्या होता है, उसके बाद में आपने पढ़ा कि उसमें स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, उसके बाद में पढ़ा कि ब्रशेस क्या होते हैं, और सारी चीज़ों को मिला कि उसके बाद में आपने पढ़ा कि भाई मोटर और जनरेटर इस तरह से बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनिज्म। यानी कि अगर आपको कोई भी बड़ी वाली चीज़ पढ़नी हो, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे बांट देते हैं। चलो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, अब सबको जोड़ दो। यानी कि बड़े सिस्टम के बारे में अगर फिजिक्स में पढ़ाई करनी है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इमेजिन कीजिए कि एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपने यहाँ पे एक वुडन का बोर्ड लिया, ठीक है, एक बुलेट ली, और बुलेट अगर हमने इसमें फायर कर दी, और ये बुलेट सीधा इसके अंदर गई, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? पहले तो कंडीशन ये, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नाइन्थ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ही है, ठीक है। पहली तो कंडीशन, सर बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसके बाद में उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जब वो ब्लॉक के अंदर गए तब उसका मोमेंटम कितना होगा, यानी कि हम उस पूरे
फिनोमिनॉन को, पूरे प्रोसेस को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई। इमेजिन कीजिए आप कोई है रास्ते पे जोर से भागता है, भाग रहा होगा, इमेजिन कीजिए समवन इज रनिंग ऑन द रोड। हमें उस सिचुएशन के बारे में अगर पढ़ाई करनी होगी तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, अगर वो उसके लेग्स हो गए, ठीक है, हो गए मतलब ऑब्वियसली हो गए, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पहली कंडीशन हो गई। वो ब्रेन का कैसे यूज करेगा, वो आंखों का कैसे यूज करेगा, उसके हैंड मूवमेंट क्या होंगे, उसकी एक्शन क्या होगी, ये सारे छोटे छोटे हिस्सों की पढ़ाई करने के बाद हम उसे टुगेदर यानी कि पूरा मिक्स करके एक सिस्टम बना देंगे, एक सिस्टम बना देंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनिज्म, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक ही लॉ से सारे मैक्सिमम फिनोमिनॉन एक्सप्लेन करना। एंड रिडक्शनिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ा फिनोमिनॉन यानी कि लार्ज सिस्टम अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। इमेजिन कीजिए अगर आपको 12th का जेई का एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, आप लोग क्या करते हैं, तीनों की पढ़ाई एक साथ करते हो क्या, यहाँ पे फिजिक्स का बुक, बायो का बुक, केमिस्ट्री का बुक, देखो भाई इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। आप लोग क्या करते, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ दो, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ दो, 2 घंटा बायो पढ़ दो, और उसके बाद में सबका मिक्स मिला के आपकी फाइनल सिस्टम आएगी। यानी कि आप कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग रिडक्शनिज्म। आप लोग क्या यूज कर रहे हो, रिडक्शनिज्म। उसमें भी आप लोग चलो फिजिक्स में इतने टॉपिक्स आएंगे, फिजिक्स में ये पार्ट आ गया, मैकेनिक्स हो गया, वट एवर इट विल बी, ये देखेंगे आने वाले मतलब कुछ समय में हम लोग। तो इसी प्रोसेस को आप बोल, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे रिडक्शनिज्म। क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया पॉइंट, दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये जो नया पॉइंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब क्या होता है, उसमें दो टाइप्स आते हैं। देखिए पहला जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक, और जो दूसरा वाला होगा उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। कौन सा स्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। एक होगा मैक्रो, दूसरा होगा माइक्रो, दोनों का मीनिंग समझ लो भाई। एक होगा मैक्रो, मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो यानी कि बहुत छोटा, यानी कि एटम्स, न्यूक्लियस, जो कुछ होगा, ओके, जो हम आंखों से नहीं देख पाते उसे हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो, और ये होगा मैक्रो। तो फिलहाल तो हम लोग एक ही के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टार्टिंग में हम लोग पहले बात करेंगे ये मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या आता है, मैक्रोस्कोपिक में तो पहला आएगा मैकेनिक्स, पहला क्या आएगा, मैकेनिक्स, हाँ यस, उसके बाद में आएगा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, समझ में, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह देंगे हम लोग उसे, और उसके बाद में आएगा फिर लाइट सेक्शन यानी कि उसे ऑप्टिक सेक्शन बोलेंगे हम लोग। ये दो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे 11th में। देखिए मैं टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स कितने सेक्शंस में अभी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, देखिए मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स हम लोग पूरा 11th में देखेंगे, और ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे 12th के सिलेबस में। तो फिलहाल आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में फोकस कीजिए। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, मैकेनिक्स मतलब क्या, जो कुछ मोशन के बारे में आप लोग पढ़ाई करेंगे उसे आप लोग बोलेंगे मैकेनिक्स। फिर उसमें 1D मोशन आएगा, 2D मोशन आएगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, ले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब देखिए फिर से उसके और डेप्थ में जाएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होगा, उसमें हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होगी, इसी में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या होगी। हाँ एक और बेसिक पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, इसी में हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यस। उसके बाद में ग्रेविटेशन नाम का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी टॉपिक हम लोग इसी सेक्शन में देखेंगे। ये सारी चीज़ें आएगी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स किस में आएगा, मैक्रोस्कोपिक में। फिलहाल हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, जस्ट थिंक अबाउट द मैक्रोस्कोपिक। सो इट कंटेन्स एक्सेलेशन, स्पीड, वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशनल। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। पेंडुलम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पेंडुलम जाता है तो वो किस तरह से जाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग उसके। ऑसिलेशन तो हो गया, उसके बाद में और एक वेव सेक्शन, वेव सेक्शन में भी बहुत सारा आएगा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में तो आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा।
लेकिन ये देखिए, ये सारी चीज़ें नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों ने सुनी है, लेकिन जब हम इसके जे के हिसाब से और नीट के हिसाब से इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसकी एक अलग ही लेवल रहेंगी। एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिजिक्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। रिमेंबर, फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। अगर आपको फिजिक्स में ग्रोथ करनी है तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। अगर भाई रानी होगी तो ये राजा आएगा ना। ओके चलिए, जोक्स अपार्ट, तो ये हो गया पूरा मैकेनिक्स। हाँ, थर्मोडायनामिक्स में हम खाली एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हीट के बारे में। हीट फ्लो बोल दीजिए आप उसे, हीट फ्लो, कॉन्स्टेंट नहीं, हीट का फ्लो। अगर हीट फ्लो ही नहीं होगी तो फिर बाकी की चीज़ें कैसे होगी। लॉ, अब हाँ एक और चीज़ है, पूरे फिजिक्स में आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, फिर वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बायडायरेक्शनल भी हो सकती है, ठीक है, चलिए वो तो अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो 12th में आएगा पूरा। अब इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद में पूरा मैग्नेटिज्म भी इसी में आया। उसके बाद में आप एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे ईएमआई। ये ईएमआई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज आप लोगों ने सुनी है 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नामक टॉपिक में आपने इंडक्शन प्रोसेस के बारे में सुना है। क्या होता है इंडक्शन प्रोसेस, एक सर्किट में अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव आए, तो उसके इफेक्ट हमें दूसरे सर्किट में दिखेंगे। हाँ, दोनों में कॉन्टेक्ट होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन में आएंगी। लाइट सेक्शन में फिर आप लोग पढ़ेंगे वही फिर से एक बार। कुछ बच्चे डर गए होंगे, सर लाइट है क्या इधर भी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सारी चीज़ें जो भी आपने 10th में पढ़ी। लेकिन 10th का लेवल ये था, जे का लेवल ये रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड आई नो यू ऑल एंजॉय दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई मैक्रोस्कोपिक के बारे में, यानी कि हम लोग इसे देख सकते हैं, उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक के बारे में आपको 11th में कुछ भी नहीं पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक की सारी स्टडी हम लोग करेंगे 12th में। हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो देखेंगे हम लोग। अभी देखिए, मैक्रो के बारे में तो आप लोगों को समझ में है, मैक्रो मतलब जो दिखता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो। 11th में हम लोग खाली मैक्रो के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। अब ये माइक्रोस्कोपिक मतलब इसी को हम लोग कहेंगे क्वांटम फिजिक्स। नाम काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, मतलब आजकल बच्चों में ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में क्रेज आ गई। कोई भी आता, सर क्वांटम के बारे में पढ़ाओ। ये क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। देखिए, मेरी बॉडी ले लो, कोई भी बॉडी ले लो, आपकी भी बॉडी है ले लो, कोई कंसीडर कर ले। अगर हमने हमारी मेरी बॉडी अगर कंसीडर की, तो इट इज़ मेड फ्रॉम दी व्हाट वी से, ये किससे बनी वाली, मॉलिक्यूल से बनी वाली, ठीक है। हम सीधा डेप में जाएंगे, एक्चुअली इट्स अ पार्टिकल, ओके। पार्टिकल के अंदर गए मॉलिक्यूल मिल गया, मॉलिक्यूल के अंदर गए एटम मिल गया, एटम के अंदर गए न्यूक्लियस मिल गया, न्यूक्लियस के अंदर गए प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। यानी कि जब भी हम डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल को तो हम देख सकते, उसे भी देख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हमने ऐसे ही नेकेड आई से अगर उसे देखना चाहा तो हम लोग उसे भी नहीं देख सकते। यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो नहीं है, वो है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी दैट थिंग्स। एंड टू स्टडी दैट थिंग्स वी आर डेवलपिंग वन फिजिक्स एंड वी कॉल इट एज अ क्वांटम फिजिक्स। हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें पूरा ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा आएगा 12th की सिलेबस में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 11th में ये नहीं है अभी, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। इसमें आएगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं हम लोग इसे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए, इसमें पूरा पार्ट आएगा सेमीकंडक्टर का, पूरा सेमीकंडक्टर का पार्ट आएगा इसमें, सेमीकंडक्टर। देखिए, अभी ये सेमीकंडक्टर चीज़ क्या है, ये आने वाले सेक्शन में देखेंगे हम लोग कि इसका यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों भी इंटर रिलेटेड थिंग्स हैं, यानी कि जिस तरह से फिजिक्स के लॉज बनते जाते हैं, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सेमीकंडक्टर में आप लोग सीधा पढ़ेंगे मॉडर्न, यानी कि
पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी एन जंक्शन क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये जितने अब एक सिंपल इमेजिन कीजिए, ये जो एलईडी आप लोग यूज करते हैं ना घर में, एलईडी, दैट एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर। अरे वो तो छोड़ो, इवन आप जो सेलफोन यूज करते हो, मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन में आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो, इट इज ऑल्सो मेड बाई द सेमीकंडक्टर। वी आर सराउंडेड बाई द सेमीकंडक्टर एंड दैट्स वाई वी कॉल एज अ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये जो पिछले वाले सेक्शन था यानी कि मैक्रो फिजिक्स, वो था क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब उसमें अभी कुछ भी बदलाव नहीं आएंगे। अब ग्रेविटेशन है तो है, अगर मैंने चौक ऊपर से फेंक दिया तो वो नीचे ही आएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सर आज नीचे आ गया, क्या पता 2, 4, 20, 50 साल के बाद वो ऊपर जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी झरना है, पानी ऊपर से नीचे आता होगा तो वो ऊपर से नीचे ही आएगा, यानी कि ये फिनोमिनन हम लोग नहीं बदल सकते, उसे हम लोग बोलेंगे क्लासिकल। इसका भी कोई मॉडर्न फिजिक्स का कोई अभी रेंज नहीं है, कोई दायरा नहीं है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा मतलब इसी पर्टिकुलर फैक्टर पे रिसर्च बहुत ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर इज द मोस्टली यूज टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस द साइज एंड गिव मोर एंड मोर इफिशियंसी। तो ठीक है, जान दो, वो हम रास्ता भटक रहे हैं। ये तो हो गया सेमीकंडक्टर, उसके बाद में हम लोग देखेंगे एटम्स, इसमें हम लोग देखेंगे ये न्यूक्लिया के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफिजिक्स, इसमें पढ़ेंगे माइक्रो फिजिक्स यानी कि क्वांटम फिजिक्स। तो फिजिक्स के दो स्कोप हो गए, एक तो हो गया मैक्रो, दूसरा हो गया माइक्रो। हम इलेवंथ में क्या पढ़ेंगे? मैक्रो की माइक्रो, मैक्रो फिजिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, और फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों का रिलेशन क्या होगा। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आप लोगों को बोला था कि ये टॉपिक आपको एक ऐसी इंट्रोडक्शन देगा जिसके वजह से आप फिजिक्स को समझ पाएंगे, ओके? यानी कि आपको फिजिक्स में ऐसा कुछ तो भी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं भाई फिजिक्स के वजह से ये सारी चीज़ें चलती है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में क्या एग्जैक्टली रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, मैंने अभी बोला था मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। अब मॉडर्न फिजिक्स मतलब सीधा क्या होता है? सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स मतलब सीधा क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर। ये याद रखिए, ये पूरा टॉपिक आएगा ट्वेल्थ में, सेमीकंडक्टर पूरा ट्वेल्थ में टॉपिक ही आएगा। और यहाँ से मतलब ये वाले टॉपिक से नियर अबाउट पिछले 3 या 4 साल से नीट में तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सवाल करवाता है टॉपिक, 3 क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स, नॉट अ जोक। जेई में भी इस पे 2 क्वेश्चन तो आते हैं हर बार, ठीक है। चलिए, अब सेमीकंडक्टर जैसे हम बोलने लगे, एक चीज़ हमारे सामने आ जाती है, सिलिकॉन ले लो और जर्मीनियम कंसिडर करो, सिलिकॉन और जर्मीनियम। अब देखिए इससे क्या बनता है, टीवी, एलईडी टीवी जो आप लोग यूज करते हैं, इट इज मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। योर मोबाइल फोन्स आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर, एलईडीज आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। ये जो एलईडी बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं ना आजकल, इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। सो देखिए, एक जैसे ही फिजिक्स में सेमीकंडक्टर नामक चीज इन्वेंट होनी स्टार्ट हो गई, इसका सीधा कन्वर्जन हम लोगों ने किया टेक्नोलॉजी में। अब बिकॉज अब देखिए, ये लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, आपका सेलफोन हो गया, इट इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी ना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब सिंपल आपका 10th का एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेंगे, हमने ये EMI के बारे में पढ़ा था। EMI मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या आप लोग उसे बोलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए ये नाम दे दो, मतलब ये आप लोगों ने सुना है, ये आप लोग सुनेंगे आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, कुछ भी बोलिए, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही ये फिजिक्स में आ गया, पहले आपने क्या पढ़ा कि भाई फैराडे ने क्या बोला, ठीक है, फिर इंडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ये तो हो गया फिजिक्स। जैसे ही आप लोगों को ये पूरा समझ में आया, ये टॉपिक के आपके 10th के टॉपिक के लास्ट वाले सेक्शन में आपको एक चीज दी थी कि ये मोटर किस तरह से चलती है भाई, मोटर कैसे चलेंगे। इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इट इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ EMI, बट मोटर इज नॉट अ फिजिक्स, मोटर इज द टेक्नोलॉजी विच इज वर्क ऑन द फिजिक्स, विच इज वर्क ऑन द फिजिक्स, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनामिक्स में चलो, जैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में गए, हम लोग सीधा देखते हैं हीट इंजन के बारे में, हीट के बारे में ना, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट ही होता है। अब सारे आप बोलेंगे सर हीट पे क्या चलते है? कुछ क्या नहीं चलता भाई, सारा का सारा जो भी आप गाड़ी में बैठ रहे हो, फोर व्हीलर आगे बढ़ रही, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग ऑन द थर्मोडायनामिक्स, स्टीम इंजन इज वर्किंग ऑन द थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, हर फिजिक्स के एक एक ब्रांच से कितने सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गए,
कितने सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए आपको फिजिक्स पढ़ना है। ऐसा मत बोलिए कि सर मुझे डॉक्टर बनना है फिजिक्स की क्या जरूरत, सर हमें इंजीनियर बनना है फिजिक्स क्यों लगेगा। अरे भाई फिजिक्स ही तो बेसिक है, फिजिक्स इज द नेचर। अब अगर नेचर को ही नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग बिहाइंड इट। तो एक बार आपने फिजिक्स के बारे में आपके मन में जो भी कुछ डर होगा डर को निकाल दो, जस्ट उस सब्जेक्ट को ऐसे खुले दिल से देखिए। इट्स अ ट्रिमेंडसली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आई यू द पर्सनली गारंटी ऑफ दैट। इट्स वेरी सिंपल। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, फिजिक्स मतलब होता क्या है, कुछ नहीं, जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं इट्स अ फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद में यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, उसके बाद में मैक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स, और ये फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों का रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि स्ट्रांग फोर्स कैसे होता है, वीक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स कैसे रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे रहेगा, और ये सेक्शन अभी इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन होगा। देखिए ये सारा का सारा टॉपिक हम एक ही लेक्चर में फिनिश कर देंगे, बिकॉज ये तो ट्रेलर है भाई फिजिक्स का, असली मजा तो आने वाले लेक्चर्स में आएगा। का लास्ट सेक्शन रहेगा और उसका नाम रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्स। उसका नाम क्या होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो फोर्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला एक फोर्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा ये, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए दूसरा एक फोर्स होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा एक फोर्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स रे, न्यूक्लियर फोर्स। पहला होगा भाई ग्रेविटेशनल, दूसरा कौन सा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा कौन सा होगा न्यूक्लियर फोर्स। ओके अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये तो दो मासेस के बीच में होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा था। इट इज बिटवीन टू मासेस, यानी कि ये देखो ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो नाइन्थ का पहला ही ग्रेविटेशन के टॉपिक में पहले ही पेज पे होता है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, यानी कि ये वाला फोर्स सबसे वीक होता है। इमेजिन कीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग हो गया तो वी आर नॉट एबल टू वॉक, भाई हम चल ही नहीं पाएंगे, अर्थ इतनी मतलब जोर से हमें सेंटर की तरफ खींचेगी कि वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द फोर्स विच इज ग्रेटर देन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये क्यों होता है, बिकॉज जो बनाने वाली, यूनिवर्स को बनाने वाली जो भी कुछ शक्ति है, आप कुछ भी बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलिए, ओके, उन्होंने ये इस तरह से पूरा ये सिस्टम डेवलप किया है, यानी कि कभी कभी साइंस भी अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है कि आप काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सो वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, वी डोंट हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वो बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद साइंस स्टॉप होता है, उसके बाद में आगे कुछ तो भी शुरू होता है, चलो जान दे उसे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। इट इज द वीकेस्ट फोर्स। एक और चीज, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब इमेजिन करो सन और अर्थ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, स्केल से मेजर कर सकते हैं हम लोग, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, इट्स ए इन्फाइनाइट डिस्टेंस, हम लोग इसे इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में होगा। एक और चीज, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हर बार कैसे होगा अट्रैक्टिव, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अब नेक्स्ट वाला जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के बीच में होगा। अभी दो चार्जेस के बीच में मतलब हम लोग इसे कंसिडर करेंगे, सपोज पॉजिटिव निगेटिव आपने अगर कंसिडर किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आपने लिया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, निगेटिव निगेटिव अगर लिया तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। हाँ ये वाला भी फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स ही होता है, यानी कि आपने इन्फिनिटी के ऊपर भी एक आधा पॉइंट कंसिडर किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक एक टॉपिक है अपने पास, 12th में वो आएगा टॉपिक,
माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक, वो टॉपिक कंप्लीट करने के लिए नियर अबाउट 20 या 30 लेक्चर तो 25 लेक्चर तो कैसे भी लगी जाते, यानी कि इन्फिनिटी पे यूनिवर्स का हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करता है। एक चीज़ ये वाला अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर बार कैसे होगा अट्रैक्टिव, यहाँ पे तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। दो पॉजिटिव आए तो रिपेल करेगा, दो निगेटिव आया तो भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव आया तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट, अभी ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अगर आपने न्यूक्लियस कंसिडर किया तो न्यूक्लियस में आता है प्रोटॉन और आता है न्यूट्रॉन। एक और चीज, ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या, वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस में होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आएगा। आप बोलेंगे सर ये प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा? देखिए, ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप लोग गलत हो, आप गलत बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन आए तो ये पॉजिटिव दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस तो फट जाएगा। न्यूक्लियस फट गया मतलब एटम फट गया, एटम फट गया मतलब अपन फट गए, पूरी अर्थ ही गई, ठीक है, बिकॉज वी आर मेड फ्रॉम द एटम्स ना। देखिए, एटम स्टडी अबाउट द एटम्स इज द फिजिक्स, एटम ही एटम के बारे में पढ़ रहा है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स गिवन बाय मिस्टर आइंस्टाइन। माई बॉडी इज मेड बाई द एटम्स, योर बॉडी इज मेड बाई द एटम्स, दिस यूनिवर्स इज मेड बाई द एटम्स, सो वी आर द एटम्स एंड वी आर स्टडी दिस एटम्स, सो एटम स्टडी अबाउट द एटम इज द फिजिक्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इसके पीछे का रीजन देखो, होता क्या है, दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्यों रिपेल नहीं करते, देखिए अगर दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा भी, पर दोनों के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो उस रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। और इसीलिए तो न्यूक्लियस स्टेबल है, इसीलिए तो न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर ये फोर्स ना होती तो न्यूक्लियस स्टेबल ना होता, और अगर न्यूक्लियस ही स्टेबल नहीं होती तो एटम अनस्टेबल हो जाता, तो ये यूनिवर्स बन ही नहीं पाती। इट्स अ वेरी स्ट्रांग फोर्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स हम लोग इसे बोल सकते हैं। हाँ, एक और चीज, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज बहुत ही कम हो सकती है। अब देखिए, मैंने फिर से एक बार देखिए, ये दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा उसे भी ओवरकम करने वाला एक फोर्स उसमें होता है, और उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ये उसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, हाँ एक और चीज़, इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसे मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ग्रेविटेशन को मीडियम थोड़ी लगता है, आप कहीं भी ले लो इसको, इसे भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मीडियम इफ अफेक्ट करेगा, लेकिन मीडियम कौन सा भी हो ये फोर्स उसमें रहेगा ही रहेगा, समझ में। अब देखिए रेशो कैसे होगा, अगर ये 1 होगा तो उसके कंपैरिजन में ये होगा नियर अबाउट 10^-8, और उसके कंपैरिजन में ये होगा नियर अबाउट 10^-36। रेशो देखिए, यानी कि अगर आपने लिया, ये लिया 1 न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये 1 हो गया, तो उसे अगर 1/10^8 किया तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसे 1/10^36 किया तब जाके आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट वी आर स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो देखिए बच्चों, इस पूरे टॉपिक का अगर आपने ओवरऑल एल्गोरिदम बना दिया तो आप लोगों को यह समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स होता क्या है,
उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हाउ एंड व्हाई, ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि हाउ वी डिसाइड और प्रेडिक्ट द फ्यूचर बाय यूजिंग द फिजिक्स, फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग फ्यूचर को किस तरह से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन थे, एक तो होगा यूनिफिकेशन, दूसरा होगा रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब एक लॉ को यूज करके मैक्सिमम प्रिंसिपल्स को आप लोग व्हाट वी से डिस्क्राइब कर दो, ओके, एक्सप्लेन कर दो, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफिकेशन। जो लार्ज सिस्टम होगी उसे हिस्सों में डिवाइड करो, हर हिस्से के बारे में पढ़ो, सबको मिलाओ और फाइनल एक्सप्रेशन बना दो, उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शनिज्म। उसके बाद में हम लोगों ने देखा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है, मैक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, फिर माइक्रोस्कोप मतलब क्वांटम फिजिक्स हम 11th में क्या पढ़ेंगे, हम 12th में क्या पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी वाला पॉइंट था ये टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, इसमें और एक फोर्स भी आता है, उसे हम लोग बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये होगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें और आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वो होता है बीटा डीके की वजह से। लेकिन आप लोगों को वो नहीं पता अभी वो बीटा डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, इसलिए मैंने इसमें वो इंट्रोड्यूस नहीं किया, नहीं तो पहले बच्चे बोलेंगे सर आप तो पहले लेक्चर में पूरा फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट तो दूर डर ज़्यादा बैठ रहे हैं, सो इसीलिए वो छोड़ दो। ये तीन फोर्स याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स एंड दिस इज दी वॉट वी से द ट्रेलर ऑफ द फिजिक्स। इतनी सारी चीज़ें हमें 11th और 12th में पढ़नी है। देखिए बच्चों, 11th एंड 12th का फिजिक्स इसे सिर्फ एग्जाम के हिसाब से मत देखो, अगर आपने इसमें इंटरेस्ट लिया तो आई एम डैम श्योर कि यू विल बी इन लव विद द फिजिक्स। आप बोलेंगे कि नहीं सर, फिजिक्स इज द डिफरेंट थिंग, फिजिक्स इज द डिफरेंट थिंग। देखिए भाई, जो आजू बाजू में अपने सराउंडिंग में जो कुछ होता है हमें उसी को देख के यहाँ पे अप्लाई करना है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बारे में ऐसा डर मत बिठाओ मन में, ओके, खुले दिमाग से उसके सामने जाओ, जो भी कुछ है पढ़ने का प्रयास करो। आई नो यू विल गेट अ गुड स्कोर इन द फिजिक्स एंड फॉर द नीट स्टूडेंट्स फिजिक्स इज द व्हाट वी से द रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट। नीट में बच्चों को बायो में भी मार्क्स मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिक्स में कम स्कोर लाते हैं और इसके वजह से नंबर नहीं लगता, ठीक है। लेकिन नीट के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर उतनी चीज़ें आप लोगों ने की तो आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका नाम रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम रहेगा उसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो प्लीज़ ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।